आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का का एक टॉपिक जो कि है स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसे बोलते हैं प्रायिकता यानी पॉसिबिलिटी सो वॉट इज प्रोबिलिटी प्रोबिलिटी इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज ऑफ बिलीव दैट एन इवेंट विल अक्कर और चांस तो सबसे पहले हम इसे अपने डेली लैंग्वेज या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं जिसको वेदर की बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज होती है वो देख के समझ जाता है कि अब आज का वेदर कैसा रहने वाला बोलता है कि आ, धूप निकलेगी कल या फिर कल का मौसम ठंडा होगा सो वो क्या करता है वो अपने पॉसिबिलिटीज लगाता है और बताता है कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो कभी कभी हम श्योर sure होते हैं कि दैट इट विल हंड्रेड परसेंट हैं ना कि हाँ पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे हंड्रेड परसेंट फेल हो जाओगे या फिर हंड्रेड परसेंट अच्छे मार्क्स आएंगे किसी को हम दे तो वो क्या है हम अपनी पॉसिबिलिटी लगाते हैं किसी भी इवेंट को देखते हुए कि वो इवेंट कैसा हो रहा है तब हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि हाँ ये ये चीजें हो सकती हैं सो इट इज द वे अब हम मैथ्स के टर्म्स में कैसे देखेंगे प्रॉबिलिटी इसका क्या यूज है इसके क्या अपीलेशन है सो इट इज ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज हमारे इवेंट को देखते हुए हमारे काम को देखते हुए हम किसी, चीज़ को, fixed, किसी fixed चीज़ को देखते हुए हम जब किसी चीज की अनुमान लगाते हैं किसी चीज की पॉसिबिलिटी को देखते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रॉबिलिटी सो प्रॉबिलिटी एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ था जिसका मतलब होता है अप्रूवल यानी अप्रूव करना यानी चीज को करना यानी ये maths का का पार्ट पार्ट है है और वो भी maths में जहाँ पर हम पैटर्न स्टडी करते हैं कि किसी चीज के होने के पैटर्न क्या क्या है फॉर एग्जाम्पल अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे लाइक <laughs> क्विन like होगा हमारा डाइस होगा हमारे, dice होगा, हमारे प्लेइंग कार्ड्स होंगे तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन सा कार्ड आए या फिर कौन सा कॉइन आए या फिर कौन सा डाइस आए जब हम लूडो खेलते हैं तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है चार आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे सो द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है निर्धारित है सबसे मेन जो पॉइंट है कि कौन कितना ऑब्जर्व कर पा रहा है कितने चीजें कितने इवेंट्स उसने ऑब्जर्व किए हैं ये जो है मेन बेसिस है प्रोबेबिलिटी का इट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस ओवर मेनी ट्रायल्स यानी बहुत सारे ट्रायल्स करेंगे अगर हम क्वन को इतनी बार फेंकेंगे सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं क्या क्या हो सकता है सो इसे हम प्रोबेबिलिटी में डिस्क्राइब करते हैं डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज इज द द इट मेजर्स हाउ लाइकली सम इवेंट विल अकर यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कोई भी इवेंट कितना लाइकली कब हो सकता है दो चीजों का रेशियो है कुछ होगा डिनोमिनेटर में कुछ होगा इट इज ऑफ फेवरेबल केसेज टू द होल नंबर ऑफ केसेज पॉसिबल सबसे पहले क्या है जो चीज हमें निकालनी है फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है की सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं क्वेश्चन से बाद में आएंगे जैसे कि हमें बताना है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी सो पॉसिबिलिटी क्या है दो चीज की पॉसिबिलिटी है या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है लेट से सो दो पॉसिबिलिटीज क्या है या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी तो हम नीचे क्या रखेंगे टू क्योंकि हमारे दो आउटकम्स पॉसिबल है यही तो होगा या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी अब हमें निकालना किसका है कि बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है सो so, बारिश हो सकती है वो हमें एक ही चीज निकालनी है तो वन अपॉन टू तो हमें क्या मिला फिफ्टी परसेंट है कि हमारी बारिश हो सकती है फिफ्टी परसेंट है कि नहीं हो सकती है फॉर एग्जाम्पल हमने कॉइन जैसे देखते हैं कि क्रिकेट मैच होता है तो सबसे पहले क्रिकेट मैच होता है तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट जो प्रतिक्रिया है वो क्या होती है वो होता है कि हम कॉइन को जो है टॉस करते हैं

जो हमारा फॉर्मुला है उसके अकॉर्डिंग की फिफ्टी परसेंट चांसेस परसेंट चांसेस है टेल के के आने, के के आने के. कैसे क्योंकि दो आउटकम्स है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा कोई तीसरा साउट है नहीं कोई इनका सो दो आउटकम्स से अब हमें किसका प्रॉबीबलिटी निकालनी है अगर हमें हेड की निकालनी है सो so अगर हमें टेल की निकालनी है तो भी सो चांसेस so, mm -hmm. दोनों के हैं डेफिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन हमने देखा हम इसका फॉर्मुला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ

सो फेवरेबल आउटकम क्या होगा एक ही बार आ पाएगा हेड या फिर एक ही बार आ पाएगा टेल और टोटल आउटकम्स कितने हैं जो जितने भी चांसेस है कुछ भी आने के तो दो ही चांसेस है या तो टेल या तो हेड सो so, इस केस में हम इसको रखेंगे अब हम अगर डाइस की बात कर रहे हैं तो कितने टोटल आउटकम्स हुए डाइस के छे जिसपे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होता है तो कुछ भी आ सकता है तो टोटल आउटकम्स छ हुए अगर हमें निकालना है चार कितनी बार आएगा तो होल्ड लिखेंगे अगर हम हमें निकालना है कि हमारा थ्री कितनी बार आएगा तो वन बाई सिक्स तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम किसी भी चीज़ की बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, ये फॉर्मुला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोबेबिलिटी तो हम पॉसिबिलिटी को कह सकते हैं जैसे रियल लाइफ में भी हम बहुत बार प्रॉबलिटी टर्म यूज करते हैं बट एक्सपेरिमेंटल क्या है जो मैथमेटिकल टर्म्स में यूज हो जो कि हमारे मैथमेटिक्स में काम है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटलिटी इट इज चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग बेस्ड ऑन अ रिपीटेड टेस्टिंग एंड ऑब्जर्विंग रिजल्ट तो क्या है एक्सपेरिमेंट जैसा बताता है यहाँ पे हमने बहुत सारे टेस्ट किए होंगे बहुत बार रिपीट किया उसका रिपीट किया हुआ होगा उसका बहुत सारे रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया होगा तब हम एक बेसिस पे आए होंगे इस फॉर्मुले को बनाया होगा

इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं जरूरी नहीं है कि एक इवेंट आया तो अगली बार भी वही इवेंट आया ऐसा जरूरी नहीं है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है इफ़ दे कैन नॉट अ टुगेदर अगर दो इवेंट्स बार बार साथ में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडिशन रूल क्या है एडिशन रूल को हम यूनियन रूल भी कह सकते हैं अगर पी ए और पी भी दिया है सो हम इसे कह सकते हैं पी ए प्लस पी बी यानी दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना यानी यूनियन और का क्या मतलब है हमने प्रस प्रस पी, पी दी दी। ए प्लस पी माइनस पी एंड पी प्रोबेबिलिटी ए वर्सेस बी क्या है अगर किसी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी दूसरे चीज़ के आने प्रोबेबिलिटी के आने से ज़्यादा होगी देन ए इज़ ऑन मोर लाइकली टू ओकर अब पी ए इक्वल टू पी बी होगा यानी पी ए बी आर इक्वली लाइकली टू अकर फॉर एग्जाम्पल हमने केस में देखा हमारा हेड भी इक्वल टाइम्स में आ सकता है इन द केस ऑफ टेल यानी जितनी बार हेड आएगा उतनी बार टेल भी आ सकता है दोनों की प्रॉबिलिटी सेम है सो उसमें हम कह सकते हैं कि दे आर इक्वली लाइकली टू अकर पर अगर कुछ केसेस में जैसे हम कहते हैं कि किसी एक चीज के आने की प्रॉबिलिटी ज्यादा है तो उसमें जो दूसरी चीज होगी वो लेस लाइकली होगी करोने के लिए टाइप्स ऑफ इवेंट दो टाइप्स होते हैं इवेंट के एक होता है सिंपल इवेंट दूसरा होता है कंपाउंड इवेंट सिंपल इवेंट क्या होता है जब किसी एक इवेंट में सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट होता है सैंपल स्पेस में एक सैंपल पॉइंट जब हमें मिलता है तो हम उसे सिंपल इवेंट बोलते हैं और किसी भी सैंपल स्पेस में अगर हमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट मिलते हैं तो उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ अगर नहीं करते हैं इफ़ दे कैन नॉट अगर सैमल्टेनियसली यानी वो इवेंट्स जो कि साथ में अगर ना करें सैमल्टेनियसली ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट ए एंड बी बी टू डिफरेंट इवेंट्स अगर हमने ए को माना वन थ्री और फाइव है बी में टू फोर और सिक्स है तो इस केस में क्या है ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी ए में जो आ रहा है वो बी में नहीं आ रहा है सो so, अगर एक चीज में एक नंबर आ रहा है और दूसरे में वो नहीं आ रहा है तो वो क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होगा ये नल होगा यानी विल गेट जीरो जीरो भी क्या होगा जीरो नहीं होगा नल यानी कुछ नहीं

It will be one, तो एक ही बार आ सकता है दो बार तो आएगा नहीं एक डायस को अगर हम करेंगे, तो एक ही बार आएगा सो इट नंबर्स क्या है अगर हम एक को थ्रो करें तो में numbers कौन कौन से होंगे टू फोर और सिक्स तीन होंगे और टोटल कितने हैं छो थ्री विल गिव यून बाय थ्री और नंबर्स कौन कौन से होंगे डाइस में वन होगा थ्री होगा और फाइव होगा तो कितने टोटल नंबर्स हुए तीन One, two, three, तो हमने यहाँ पे रखा थ्री और नीचे टोटल नंबर ऑफ एवरेबल आउटकम्स तो ये थ्री हुए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्योंकि डाइस में आउट होते हैं जनरल क्या है प्रोबेबिलिटी के कि इट इज अ नंबर बिटवीन जीरो की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो टू वन के बीच में ही होगी ना वन से ज्यादा होगी ना जीरो से कम होगी सारे सम्स जो भी प्रोबेबिलिटी जितने भी इवेंट्स हैं सबका सम जो होगा वो वन होगा द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट डज नॉट अकर इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट अगर किसी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ किसी चीज़ के ना आने की प्रोबेबिलिटी जैसे हमें पी ई निकालना है सो so कैसे निकालेंगे वो हम वन से माइनस करके अगर हमें किसी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए के ऊपर स्लैश सो ये होता है किसी भी ना आने चीज़ की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के जनरल रूल्स हैं रूल है कि event, कोई चीज़ की प्रॉबिलिटी जो कि हंड्रेड एंड टेन परसेंट होनी ही है सो so उसका जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो क्या होगी वन होगी और किसी चीज की जो इम्पोसिबल है जो इवेंट हो ही नहीं सकता जैसे हमने बात करी कि कोई भी एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हमारा डाइस में सेवन आ जाए और डाइस में सेवन तो हो ही नहीं सकता ना तो वो तो इम्पॉसिबल है तो उसके आने की प्रोबिलिटी जीरो होगी काउंटिंग टेक्निक से यह है अगर कोई ए और बी दो तरह से टास्क कर रहे हैं तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्लिप अ तो क्या करेंगे तो छ तो टू और सिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वाइंट को फ्लिप कर रहे हैं सो हेड और टेल आएगा और डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 6 आएगा तो या तो एक दो तीन चार पांच छे या फिर हेड 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 उसके साथ आएंगे या फिर dice के 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 के साथ सारे आएंगे। Where probability use? Probability का कहाँ करते हैं हम गैम्बलिंग में करते हैं फाइनेंस में करते हैं साइंस मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी अदर जगह पर हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगर हमें एक रेड कैंडी चाहिए तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी इट विल थर्टीन बाय ट्वेंटी अगर हमारे पास ट्वेंटी कैंडी है और हमारी उसमें से थर्टीन जो कैंडी है वो रेड कैंडी है सो थर्टीन अपॉइंट ट्वेंटी ऑफ गेटिंग रेड कैंडी अगर हमें येलो कैंडी चाहिए हमारे पास चार टॉफीज है पर उसमें से येलो कैंडी हमारे पास एक ही है सो so उसके आने की प्रॉबिलिटी जीरो पॉइंट टू फाइव होगी हमें एक ब्लू कैंडी चाहिए हमारे पास टोटल कैंडी टेन ही है ब्लू कैंडी एक है सो वन अपॉइंट द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू कैंडी Thank you.